नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास नाइन्थ मैथ में जो चैप्टर सिक्स को जो है बता रहा था, तो उसमें जो है लाइंस एंड एंगल्स जो है लाइंस एंड एंगल्स चला, तो इसमें जो है जहां से मैं दोस्तों अगले वीडियो में खत्म किया था, यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, कहने का मतलब कोई लाइन्स जो है ऐसे लाइन्स हैं जो किसी तीसरे लाइन से लाइन के पैरेलल हैं, यानी कि कोई तीसरे लाइन के पैरेलल हैं। हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन है, हमारा कोई लाइन मान लीजिए यल और यम ऐसा लाइन है, हमको पता नहीं है कि यह जो है पैरेलल है, लेकिन यह पता है कि दोनों लाइन यल और यम जो है वह यन के पैरेलल है। तो जब वह यल और यम लाइन जो है यल के यन के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि ये जो है यानी कि सभी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो लाइन जो है, या दो से अधिक लाइन या लाइंस ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी तीसरे लाइन से या किसी लाइन से जो है ऐसा लाइन है जो उसके पैरेलल है, तो कह सकते हैं कि यानी कि हम कह सकते हैं यल लाइन जो है यन के पैरेलल है, यम लाइन जो है यन के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि सब लाइन जो है वह एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि पैरेलल टू ईच अदर। तो दोस्तों यहां पे जो है फिगर में जो दिया गया है, इन विच लाइन यम और यल जो है ये ऐसे लाइन है जो पैरेलल है लाइन यल के, यानी कि यम पैरेलल टू द लाइन यल एंड लाइन यन पैरेलल टू द लाइन यल, यानी कि यम भी यल के पैरेलल है और यन भी यल के पैरेलल है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि यम जो है पैरेलल, यम यन पैरेलल जो है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे यम भी आपका पैरेलल होगा यन के दोस्तों, या कह सकते हैं कि सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है लेट अस ड्रा लाइन टी जो है ट्रांसवर्स, एक लाइन टी को ट्रांसवर्सल लाइन हम ड्रा करते हैं, ट्रांसवर्सल फॉर द लाइंस, इनकी ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं। तो दोस्तों चूंकि हमको पता है कि यल जो है यन के पैरेलल है, तो जब यम जो यम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइंस यल यम यन, इट इज गिवन दैट द यम लाइन और यम जो है दोस्तों किसके पैरेलल है, यन के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा दो और तीन जो है ये बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल दो एंगल टू और ये बराबर जो है एंगल थ्री के होंगे दोस्तों। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा यल लाइन जो है यन के पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जो हमारा टी दिया हुआ है, तो कह सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये हमारा और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल वन बराबर एंगल थ्री के दोस्तों। तो दोनों हम कह सकते हैं कि जब दोनों लाइन एंगल जो है यल के बराबर है, यानी कि दो भी तीन के बराबर है, वन भी तीन के बराबर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा एंगल वन जो है बराबर होगा एंगल टू के, यानी कि एंगल टू के बराबर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा लाइन जो है यम ये किसके पैरेलल होगा, लाइन यन के, यानी यन के जो है यम पैरेलल, यानी लाइन यम जो है लाइन यन के पैरेलल होगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार से और भी कह सकते हैं कि यानी कि दिस रिजल्ट कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, थ्योरम के अनुसार जो है कन्वर्स ये सब सिद्ध किया गया है कि जब ये यल लाइन यन के पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके पैरेलल तो इसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा वन और टू जो है बराबर है, जब वन टू बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं हमारा लाइन जो है यल और यम भी आपस में पैरेलल होंगे दोस्तों। थ्योरम 6.6 है, यानी थ्योरम जो है 6.6 है, 6.6 है, इस प्रकार से है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि हम कह सकते हैं कि वही चीज है, थ्योरम बन गया है कि हमारा ये यल लाइन है और यम लाइन है, यह यन के जो है यानी लाइंस है, हमारा यल यम कोई लाइंस है, हमको पता नहीं कि पैरेलल है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारा यल जो है यानी कि कह सकते हैं यल पैरेलल है यम यन के, और यम जो है पैरेलल है यन के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारा कोई ट्रांसवर्सल लाइन है दोस्तों, तो कह सकते हैं यल और यन के पैरेलल है, तो ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर होगा वन और ये थ्री के बराबर होगा, अगर जो यम यन के पैरेलल होगा तो ये टू के जो है और थ्री जो है बराबर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो है एंगल वन और एंगल टू ये दोस्तों
बराबर होंगी, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है कि जब दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल ये एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि यल क्या होगा, यम के पैरेलल होगा दोस्तों, यानी कि सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि सेम लाइन जो है हमारा, जो सेम आपका पैरेलल है तो ये सेम लाइन दो एक दूसरे के पैरेलल होंगे दोस्तों। तो ये सिद्ध हो गया। उसके बाद दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि एग्जांपल्स क्या कहता है। फिगर में दिया हुआ है कि फिगर 6.24 में दिया इफ पी क्यू आर एस के पैरेलल है, यानी पी क्यू जो है यहां पे आर एस के पैरेलल है। उसके बाद जो एंगल यम एक्स क्यू, यम एक्स क्यू ये 135 डिग्री है। उसके बाद यम वाई आर जो है 40 डिग्री है। तो फाइंड एक्स यम वाई, यानी एक्स यम वाई को फाइंड करना है दोस्तों, एक्स यम वाई, एक्स यम वाई, यानी कि हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल दोस्तों फाइंड करना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब इसमें दोस्तों हम एक काम करते हैं कि इस लाइन के एबी जो है, हम एक एबी एक लाइन जो है ऐसा ड्रा करते हैं दोस्तों। यहां पे एग्जांपल पे दिया हुआ है, यानी ए बी जो है लाइन ऐसा ड्रा करते हैं कि यम के थ्रू होके जाता है और यह जो है पी क्यू और आर एस के पैरेलल है। तो पी क्यू और आर एस के पैरेलल है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब ये लाइन जो है, ये पी क्यू जो है, ए बी और पी क्यू जो है आपस में पैरेलल हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यानी कि 135, यानी कि जो हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है दोस्तों, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा 135 डिग्री होगा। यानी कि इस कंडीशन में हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो है बी एम वाई जो है ये, और जो है एम वाई आर जो है ये भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण जो है दोस्तों, ये इस प्रकार से है कि ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम कह सकते हैं ए बी पे हमारा जो है यम एक्स जो है ऐसा स्टैंड हो रहा है, और ये जो चूंकि ये आप हमारा एक लाइन है और इस पे स्टैंड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं कि बी एम एक्स, यानी ये चीज जो है हमको फाइंड करना है। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि हमारा ए एम बी जो है, यानी एंगल जो है ए एम बी जो हमारा इस प्रकार से बन रहा है, ए एम बी इस प्रकार से बन रहा है कि ये 180 डिग्री है दोस्तों, यानी 180 डिग्री है। तो हमारा जो है 135 डिग्री में से अगर जो हम 180 डिग्री घटा देते हैं दोस्तों, 180 डिग्री घटा देते हैं तो कितना हमारा आएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा दोस्तों कौन सा यक्स हमारा आ जाएगा, कहने का मतलब है कि ये 5 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो जब ये दोस्तों 45 डिग्री निकल गया है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो बन रहा है, एंगल यक्स यम बी जो है हमारा होगा दोस्तों, जो उनको जोड़ लेंगे हो जाएगा हमारा 85 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये जो है 85 डिग्री निकल जाएंगे जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहां पे आ भी गया है और जो है एक्स एम वाई जो है 85 डिग्री निकल भी गया है दोस्तों। उसके बाद जो है एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 जो है आपको बता रहे हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि हमारा दो लाइन जो है इस प्रकार से है, यानी पी क्यू आर एस जो है दो लाइन ऐसा है कि यहाँ पे टू लाइन सच दैट की दैट बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि हमारा क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू, यानी ये और
BCS, यानी कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो इसका बाइसेक्टर जो है हम यहाँ पे सी से जी तक बढ़ा देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है बाइसेक्ट अर्धक करता है इसको, ये भी इसको अर्धक करता है। तो हमको निकालना करेस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, यानी कि ये एंगल जो है दोस्तों पैरेलल बन रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं बी ई पैरेलल है सी जी के, यानी कि बी कह सकते हैं दोस्तों यहां पे बी और ई जो है हमारा ये पैरेलल है सी जी के। तो जब ये दोस्तों सी जी के पैरेलल है तो हमको निकालना क्या है, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो दोस्तों हमको यही पता करना है कि पी क्यू जो है और आर एस पैरेलल है, ठीक। अभी हमको ये पता नहीं है कि हमारा पी क्यू और आर एस जो पैरेलल है कि नहीं है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी ई और सी जी जो है पैरेलल है। तो दोस्तों पैरेलल जब है ये लाइन और इसको ट्रांसवर्सल एडी जो है इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये जो है इसके अर्धक जो है बी और सी डी जो है ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, अर्धक भी है और पैरेलल भी है, ठीक। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहां से अगर जो एग्जांपल में दिया होगा, यानी कुछ लाइन जो है हमें आगे बढ़ाना है, हाँ नहीं चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसको इसी प्रकार से जो है सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों अगर जो हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ए बी ई है, ए बी ई है एंगल जो है ये पूरे एंगल के आधा है, यानी कि ये यानी कि इस जो बाइसेक्टर जो है ए बी क्यू के जो है ये आधा है ई बी क्यू, यानी ए बी ई या कह सकते हैं ए बी ई या कह सकते हैं ई बी क्यू, इस प्रकार से दोनों एंगल जो है बराबर हैं और एक एंगल पूरे एंगल का आधा है। इसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज फार्मूला लागू होता है कि ये भी इसके आधा है, यानी कि बी सी ई जो है इसके बी सी जी जो है बी सी एस के जो है आधा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये आधा आधे के कंडीशन में हम कह सकते हैं तो दोस्तों ये एंगल जो है ये एंगल भी, यानी कि हमारा जो है ये एंगल, तो दोस्तों ठीक है हाँ, ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ए डी जो है ले ट्रांसवर्सल जो है, अगर जो हम देख लें कि ये हमारा जो जब ये लाइन पैरेलल है और ये अर्धक भी कर रहा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारा चूंकि हमारा बी ई और सी जी जो है पैरेलल है, यानी कि और ए बी जो है ए बी पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो है ये आप कह सकते हैं कि आपका जो है ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो कह सकते हैं दोस्तों आपका जो है एंगल कौन सा एंगल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ये एंगल जो है जो चूंकि ये ए बी ए डी ट्रांसवर्सल है और इस पे जो है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल के कंडीशन में थ्योरम के अनुसार जो एक्सियम जो कहता है कि यहाँ पे जो है इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होते हैं दोस्तों। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है जब ये लाइन पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कह सकते हैं ए बी ई जो है इसके बराबर होगा दोस्तों। तो ये एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सीधा ए बी क्यू जो है हमारा बी सी एस के बराबर है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए बी क्यू, यानी ए बी क्यू जो है एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, एंगल बी सी एस के, यानी कि बी सी एस के पूरा बराबर होगा। तो दोस्तों चूंकि हमको पता है कि अगर जो कोई इस प्रकार से करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बन भी रहा है, तो दोस्तों अगर जो हम कह सकते हैं ये हमारा जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अनुसार जो है अगर जो ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो कह सकते हैं थ्योरम के अनुसार पी क्यू और आर एस जो है ये जो है पैरेलल होंगे।
यानी कि पी क्यू जो है पी क्यू ये पैरेलल होगा आर एस के, यानी थ्योरम के अनुसार जो है ये एकदम स्पष्ट है, सिद्ध हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एग्जाम्पल सिक्स है, एग्जाम्पल सिक्स में दिया हुआ है कि इन फिगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, यानी ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है, ठीक, ये लाइन पैरेलल है। उसके बाद एंड सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो हमको निकालना है कि आल्सो ई ए परपेंडिकुलर लंब है ए बी पर, यानी कि ए ई जो है हमारा ए ई जो है ई लाइन ऐसा है कि इस पे ए बी पे जो है ए लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है दोस्तों, यानी कि ये 90 डिग्री है, यानी कि ये इस पे लंब है। और बी ई एफ, बी ई एफ ये 55 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड, अब दोस्तों हमको एक्स और वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों सेम कंडीशन इसमें देखिए, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक, और उसके बाद जो है सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, यानी कि कंडीशन जो बन रहा है हमारा, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो थ्योरम के अनुसार जो है सीधा साधा हम कह सकते हैं कि ए बी इसलिए ए बी हेंस ए बी पैरेलल ई एफ, यानी ई एफ के ये पैरेलल है, ठीक। तो दोस्तों अब जब ये पैरेलल है, चूंकि अब देखिए जब ये लाइन पैरेलल है और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोस्तों जब ये परपेंडिकुलर है लाइन, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए ई जो है ये पूरा 90 डिग्री होगा, यानी कि कौन सा 90 डिग्री होगा, सी ई एफ, यानी सी ई एफ, यानी पूरा का पूरा जो है ये 90 डिग्री होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो इसको घटा लेंगे तो जेड हमारा आ जाएगा दोस्तों, जेड हमारा आ जाएगा 90 से घटा देंगे तो 5, और जो है 5 और 8 में से 35, यानी कि ये दोस्तों 35 डिग्री होगा हमारा, यानी जेड जो है हमारा निकल चुका है, जेड बराबर जो है ये 35 डिग्री होगा, जेड 35 डिग्री होगा। अब दोस्तों जब जेड 35, ये पूरा 90 डिग्री है, अब जेड हमारा 35 डिग्री आ गया है दोस्तों, ठीक, जेड जो है 90 डिग्री आ गया है, ओ सॉरी, जेड जो है 35 डिग्री आ गया और ये 90 डिग्री है। तो दोस्तों हम इस एंगल को निकालेंगे ए बी ई को, यानी ए, अब ए यानी कि ए बी ई को निकाल लेंगे दोस्तों। तो चूंकि ए बी ई को जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 35 और 90, यानी कि यहाँ पे जो है हम 90 डिग्री और प्लस जो है 35 जो है जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 डिग्री दोस्तों आ जाएगा, यानी कि ये एंगल जो है हमारा तीनों जो है कह सकते हैं कि ये जेड और 90 125 डिग्री हो गया। तो दोस्तों ये तीनों जो है 180 डिग्री होता है, तो दोस्तों ये एंगल जो हमारा आएगा 180, यानी कि कह सकते हैं कि यहां से 180 से घटा देंगे दोस्तों तो हमारा जो ये निकल जाएगा, कह सकते हैं कि 180 में से जो है 125 घटा देंगे यहाँ पे, तो ये 5 आ जाएगा, ये 7 में से 2 गया 5, यानी कि ये दोस्तों 55 डिग्री हो गया, यानी कि ये 55 डिग्री हो गया दोस्तों। अब जब ये 55 डिग्री हो गया, चूंकि हमारा ए बी जो है ई एफ के करेस्पॉन्डिंग है, तो वैसे भी कह सकते हैं ये 55 डिग्री हमारा निकल जाएगा। तो जब ये 55 डिग्री निकल गया दोस्तों, तो कह सकते हैं कि ए बी जो है बी डी जो है इस पे लंब है, यानी कि ये जो है 180 डिग्री होगा। तो इसको दोस्तों हम एक्स को घटा लेंगे, 180 में से 55 को घटा देंगे, यानी कि 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से 55 जब हम घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5, 7 में से 2 यानी 25, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा 25 डिग्री होगा, यानी एक्स बराबर जो है हमारा 25 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये एक्स बराबर 25 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो चूंकि आपका हम कह सकते हैं कि हमारा कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा क्या हुआ, एक्स और वाई करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक्स और वाई जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इस प्रकार से जो है ए बी 25 डिग्री दोस्तों होगा, सॉरी दोस्तों 125 घटाने पे आ रहा है, ये सोच रहे हैं 125 आ रहा है घटाने पे, यानी कि ये डिग्री जो है
125 होगा, यानी ये भी 125 होगा। तो दोस्तों ये दोनों 125 एक्स जो है और वाई करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्स और वाई करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इस प्रकार से जो है दोनों जो है 125 डिग्री हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि हमारा निकल गया जेड 35 डिग्री निकल गया और एक्स वाई जो है 25 डिग्री निकल गया। देखिए जेड 35 डिग्री निकल गया है और जो है सब निकल चुका है दोस्तों, यानी कि एक्स जो 25 डिग्री और वाई भी आपका 25 डिग्री, एक्स वाई वाई के बराबर है यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। तो दोस्तों बहुत आसान है ये, बस केवल तर्क देना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 6.2 है, चलिए सॉल्व किया जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों एक्सरसाइज जो है 6.2 सॉल्व करते हैं। चलिए फिगर में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक्स एंड वाई देन द सो दैट ए पैरेलल टू द सीडी। हमको क्या है कुछ पता नहीं है, एक्स वाई को फाइंड करना है और सो करना, देन सो करना है ए बी और सी डी के पैरेलल है, फिगर में दिया हुआ है, बस फिगर में दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए सिंपल सा चीज है, इसमें तर्क देना है कुछ नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा लाइन जो है ए बी और सी डी की हमको पैरेलल दिखाना है, ठीक है। हमारा कोई ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए, हम कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी, चलिए टी लाइन हमारा ट्रांसवर्सल है और इसका नाम दे देते हैं ई एफ, इसका नाम दे देते हैं दोस्तों ई एफ। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, चूंकि आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्सल हमारा टी जो है ई एफ एक लाइन है, ठीक। इस लाइन पे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओ है, ओ है और ओ1 है और यहां पे जो है ओ2, हम इसको जो है ओ2 कह सकते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं OA हमारा इस पे स्टैंड हो रहा है EF पे, तो चूंकि जब स्टैंड हो रहा है तो ये जो है हमारा एडजेसेंट एंगल जो हमारा बन रहा है ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा x बराबर कितना होगा, x बराबर जो है 130 डिग्री होगा दोस्तों, यानी x बराबर 130 डिग्री होगा। अब देखिए 130 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये 130 डिग्री दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि EF और CD जो है ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए अपोजिट एंगल जो है इनके जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम तर्क दे सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है थ्योरम एक्सियम के अनुसार, तो वाई बराबर हमारा जो है 130 डिग्री ये होगा। अब दोस्तों ठीक, अब देखिए अब हमको लाइन ए भी पता है और सी डी पता है, ये भी पता है और सी डी पता है कि हम पैरेलल नहीं है, हम मान के चलते हैं पैरेलल नहीं है, लेकिन जो हमारा ट्रांसवर्सल जो है ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है 130, यानी कि कह सकते हैं कि यक्स यानी एंगल यक्स एंड एंगल वाई जो है हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो चूंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कह सकते हैं ए बराबर वाई के, तो जब दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस प्रकार से दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है कि उसके एंगल्स हैं दोस्तों। तो चूंकि अगर जो कोई दो लाइंस ऐसे हैं जिसपे कोई ट्रांसवर्सल जो है इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है कि उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो दो लाइन पैरेलल होगा। तो एक्सियम के अनुसार, अल्टरनेट एक्सियम के अनुसार जो है हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी और जो है ये पैरेलल होगा सी डी के दोस्तों, यही हमको इस एग्जाम्पल में निकालना है दोस्तों, ये सिद्ध हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, यानी कि तर्क हमको देना क्या है, जब ए बी जो है आपका ये पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है पैरेलल है आपके ई एफ के,
ई एफ के। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी जो है पैरेलल होगा ई एफ के, यानी ए बी जो है ये पैरेलल होगा ई एफ के, यानी सिद्ध हो गया। अब दोस्तों और वाई और जेड का रेशियो 3:7 का है, वाई और जेड का रेशियो, यानी कह सकते हैं यानी कि यहां पे दिया हुआ है वाई रेशियो जेड बराबर 3:7, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पे अब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी जब ई एफ के पैरेलल है दोस्तों, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है हमारा जो ड्रा हो रहा है, हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो है, क्योंकि ये एंगल यानी कि कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है ये जेड के बराबर होगा, यानी कि ए बी सी डी जो है ईच अदर जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमारा ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है यानी ये एंगल और ये एंगल जो है जेड करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये जेड के बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल यानी कि ये एक्स के बराबर होगा दोस्तों, यानी एक्स के बराबर होगा। और कह सकते हैं कि वाई जो है ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये वाई जो है इसके बराबर होगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है अब दोस्तों यहां पे क्या निकल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ये बराबर है, यानी कि ये यानी कि कह सकते हैं यहां से एक्स बराबर जो है जेड है, और यहां से कह सकते हैं दोस्तों एक्स बराबर जब जेड है हमारा, तो दोस्तों एक चीज आपको पता है, तो जब ये हमको पता है कि यहां पे जब ये हमारा एक्स हो गया और वाई हो गया, इस कंडीशन में जेड भी हमको पता है, जेड हमारा ये है। तो दोस्तों अब मान लीजिए हम एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है, वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है, तो वाई और जेड का रेशियो इस प्रकार से दिया हुआ है कि दोस्तों अब हमको पता है कि वाई प्लस जेड बराबर जो है हमारा 180 अंश डिग्री है। यहां से सी डी पी हम देख सकते हैं वाई जेड का रेशियो यानी 180 अंश डिग्री ये एंगल बनाता है, क्योंकि मान लीजिए हम ये हमारा जो है ये जो लाइन ट्रांसवर्सल है और सी डी जो है कि इंटरसेक्ट कर रहा है लंब है, तो ये जो है वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश होगा। तो यहां से दोस्तों हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो वाई जेड का दिया हुआ 3:7 का दिया हुआ दोस्तों, तो हम कह सकते हैं वाई बराबर जो है कह सकते हैं 3 × 10 = 180 अंश कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कट जाएगा यानी कि यहाँ 18 आएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 18 × 54 यानी वाई बराबर हमारा 54 डिग्री निकल गया दोस्तों। तो वाई बराबर 54 डिग्री निकल गया, तो इसी प्रकार से हम जेड भी निकाल सकते हैं, जेड बराबर जो है हमारा आ जाएगा 7/10 × 180 यानी कि ये जो है 18 आ जाएगा। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि 7×8 = 56 और 5×7 = 5 = 12 126 डिग्री निकल जाएगा दोस्तों, ये जेड के बराबर होगा। तो दोस्तों अब हमारा जो क्या निकल गया, हमको एक्स को फाइंड करना है दोस्तों। तो दोस्तों जो कह सकते हैं कि जब हमारा जेड जो है 100 यानी कि कह सकते हैं कि जेड बराबर हमारा कितना आ गया है 126 डिग्री आ गया है। तो चूंकि एक्स जो है और एक्स एंड जेड जो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए जो है सेम होगा, या कह सकते हैं कि एक्स बराबर जेड होगा, बराबर 126 डिग्री होगा दोस्तों, 126 डिग्री होगा। इस प्रकार से जो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर में दिया हुआ कि इफ ए बी और सी डी के पैरेलल है, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है सी डी पे लंब है, यानी कि सी डी पे ई एफ लंब है। तो दोस्तों यहां पे जब कह सकते हैं ई एफ लाइन जो है हमारा वह सी डी पे लंब है, तो यानी कि ये 90 डिग्री हुआ, यानी कि ये 90 डिग्री हुआ। और जब ये 90 डिग्री होगा दोस्तों, तो कह सकते हैं कि जब 90 डिग्री होगा और ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, तो दोस्तों ए बी जो है 90 डिग्री होगा, यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो है ई एफ लाइन जो है ए बी पे भी लंब है, ई एफ लाइन जो है ए बी पे लंब है।
यानी यहाँ पे सी डी पे दिया हो तो इस प्रकार से ए बी, और जो है जी ई डी एंगल जो है 126 डिग्री दिया हुआ है, यानी जी एंड जी ई डी, जी कहाँ है, जी ई डी यानी 126 डिग्री दिया हुआ है, जी ई डी यानी कि यहाँ पे पूरा डिग्री जो है कितना है 126 है दोस्तों, 126 है। तो जब ये पूरा 126 है और ये इतना 90 है तो कह सकते हैं दोस्तों ये एंगल जो है हमारा 36 डिग्री होगा, यानी इतना जो है 36 डिग्री होगा दोस्तों, ये 36 डिग्री होगा। उसके बाद जो है अब हमको ज्ञात क्या करना है, फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई यानी ये एंगल फाइंड करना है, मान लीजिए एक्स है और जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल फाइंड करें जो कि 36 डिग्री निकल चुका है, मान लीजिए इसको हम वाई मान लेते हैं, और क्या फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये डिग्री ये फाइंड करना है, यानी इसको जेड मान लेते हैं दोस्तों। तो निकल चुका है दोस्तों, अब देखिए ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये 36 डिग्री होगा, तो 180 में से घटा देंगे यानी कि 90 प्लस 36 ये आ गया आपका 6 और 10 दो 12 126 डिग्री आ गया दोस्तों, यानी 126 डिग्री को 180 से हम घटा देंगे, 180 से घटा देंगे दोस्तों तो ये जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7 में से हो गया 5, यानी कि कह सकते हैं जड़ हमारा क्या आ गया, जड़ जो है 54 डिग्री आ गया, यानी कि 54 डिग्री हमारा जड़ आ गया। उसके बाद जो है वाई बराबर हमारा निकल चुका है 36 डिग्री, वाई बराबर जो है हमारा 36 डिग्री निकल ही चुका है। उसके बाद जो है हमको और क्या निकालना है, यक्स निकालना है दोस्तों, यक्स निकालना है। तो दोस्तों जब जड़ हमारा 54 डिग्री आ गया है तो कह सकते हैं कि हमारा यक्स और जड़ जो है एडजेसेंट एंगल है, यानी कि यक्स और जड़ जो है एडजेसेंट एंगल है, तो इसका योग जो है यक्स प्लस जड़ जो है हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम 180 में से जो है जेड जो घटा देते हैं, यानी 54 डिग्री जो है घटा देते हैं, तो आ गया 6 और 7 में से 2 यानी कि जो है 26 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 126 डिग्री होगा दोस्तों, 126 यानी कह सकते हैं एक्स जो है हमारा 126 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब ये लाइन पैरेलल है तो सिंपल सा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो है ये एंगल एक्स जो है ये 126 डिग्री है, तो एक्स जो है ये कितना इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है दोस्तों, तो ये वैसे ही एक्स के बराबर होगा, हम दूसरे तर्क से भी निकाल दिए हैं इसको दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है पी क्यू जो है पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू एस टी की पैरेलल है और पी क्यू आर 110 डिग्री है एंड आर एस टी जो है 130, फाइंड क्यू आर एस यानी कि क्यू आर एस फाइंड करना है दोस्तों, सिंपल सा है, यानी कि फाइंड क्या करना है क्यू आर एस, यानी कि ये एंगल यानी कि मान लीजिए एक्स है इसी को फाइंड करना है दोस्तों। पी क्यू एस टी जो है पैरेलल है और पी क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है और 130 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। हिंट में कह रहे हैं एस टी के पैरेलल जो है कोई लाइन जो है इस प्रकार से हमको ड्रा करना है कि इसके जो है पैरेलल हो जाए, ये ऐसा लाइन जो है ड्रा करें कि इसके जो है पैरेलल हो, यानी पैरेलल हो जाए और चलिए इसको हम ए बी मान ले रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो इसको हम ऐसे पैरेलल है बढ़ा दें, इस प्रकार से बढ़ा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये हमको निकालना क्या है, ये एक्स निकालना है, यानी ये एक्स डिग्री ये निकालना है, क्योंकि ये लाइन जो है ए बी के पैरेलल है। तो जब ए बी पैरेलल है यानी कि एस टी के पैरेलल है तो यानी पी क्यू भी ए बी के पैरेलल होगा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये पूरा लाइन जो है हमारा 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री ये होगा। तो जब पूरा लाइन जो है दोस्तों 110 डिग्री होगा ये, तो और ये मान लीजिए हमारा वाई डिग्री है, यानी कि ये वाई डिग्री है, ये इतना जो है हमारा वाई डिग्री है, तो यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 110 यानी 180 अंश बन रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जो है आप देखिए उसके बाद क्या है,
हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब ये लाइन CST जो है AB के पैरेलल होगा तो ये लाइन और ये लाइन यानी कि ये पूरा जो है हमारा एंगल जो बनेगा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 130 डिग्री होगा दोस्तों, यानी कि 130 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है यानी कि यक्स से लेकर के 130 डिग्री हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों यक्स यक्स प्लस वाई बराबर जो है हमारा क्या बन रहा है 130 डिग्री बन रहा है, 130 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा ये लाइन जो है 110 डिग्री बन रहा है, यानी ये लाइन जो है 110 डिग्री बन रहा है। या हम कह सकते हैं कि जब हमारा ये हमारा 110 डिग्री है तो इतना जो है हमारा ये क्यू आर यानी कह सकते हैं क्यू आर बी जो है हमारा 110 डिग्री होगा पूरा। और दोस्तों अब देखिए इसको इसको y मान चुके हैं, ये y मान चुके हैं, तो यहां पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि तो चलिए दोस्तों इसको हम जो है इस एंगल को हम z मान लेते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा x प्लस z बराबर जो है हमारा कितना है 110 डिग्री है दोस्तों, 110 डिग्री है। अब जो है इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको जो है हमको सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों इसको अगर जो हम घटा देते हैं तो कह सकते हैं कि हमारा वाई माइनस जेड बराबर जो है हमारा आएगा 20 डिग्री आएगा, यानी वाई माइनस जेड बराबर जो है 20 डिग्री आएगा। तो वाई माइनस जेड यानी वाई और माइनस जेड जो है 20 डिग्री का अंतर बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अब यहाँ पे जो है एक कंडीशनों का कह सकते हैं, जब इसको y माने हैं, इसको x माने हैं और इसको z माने हैं, तो दोस्तों और ये पूरा जो है आपका x y z यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे x प्लस y प्लस z बराबर जो है हमारा 180 अंश होगा दोस्तों, यानी 180 अंश होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्लस z बराबर 180 अंश होगा। अब यहाँ पे आपका एक्स वाई बराबर 130 है, तो जेड बराबर जो है दोस्तों जेड बराबर हम यहाँ से निकालेंगे 180 माइनस जो है 130 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 50 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, यानी कि जेड हमारा निकल गया 50 डिग्री। तो जेड जो है हमारा 50 डिग्री निकल चुका है, तो z 50 डिग्री निकल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा y बराबर जो है z इधर चला जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, यानी कि z जो है 70 डिग्री हो जाएगा। अब जब हमको दोस्तों y पता हो गया है, अब y पता हो गया है तो यहाँ पे जो है x प्लस y बराबर 30 है, तो x बराबर जो है हमारा हो जाएगा 130 माइनस वाई 130 माइनस वाई हो जाएगा, वाई बराबर जो हमारा 70 डिग्री है दोस्तों। तो इसको घटा देंगे तो आपका 70 30 60 यानी 60 डिग्री आ गया दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा यक्स जो है यहाँ से 60 डिग्री दोस्तों निकल चुका है यहाँ पे। इस प्रकार से जो है ये साल होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच है इफ ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है और एंगल APQ ये 50 डिग्री है और जो है ARD जो है 127 डिग्री है, तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। क्योंकि अब देखिए अब देखिए 127 डिग्री है ये, तो ये पूरा जो है कितना होगा, यानी कि 180 अंश में से जो है 180 अंश में से हम घटा देंगे 127 डिग्री, यानी कि अगर जो इसको जेड मान लें यानी कि इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 3 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ये 53 डिग्री है, यानी कि ये 53 डिग्री है। और हम एक चीज और कह सकते हैं कि हमारा PRD 127 डिग्री ये पूरे एंगल के 100 यानी कि इस एंगल यानी अल्टरनेट जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है पूरा, यानी कह सकते हैं AB APQ और ये डिग्री,
यानी कि y प्लस 50 जो है हमारा, हम कह सकते हैं यहाँ पे y प्लस 50 जो है हमारा मिल करके क्या बन रहा है, 127 डिग्री बन रहा है दोस्तों, 127 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे y बराबर जो है हम कह सकते हैं कि 127 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, तो यानी कि 50-70 यानी कि आ जाएगा आपका y बराबर, ये 50 घट जाएगा यहाँ पे, तो 50 घटने के बाद यानी कि 77 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये y बराबर जो है 77 डिग्री आ गया, यानी कि ये 77 डिग्री दोस्तों ये आ गया। अब क्या बचा है हमारा, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम 77 और 53 को जोड़ देते हैं, 77 और 77 53 को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, कह सकते हैं कि ए पी क्यू जो है वह पी क्यू आर के जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर है, और इसलिए जो है 100 ये भी 50 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं x बराबर जो है हमारा 50 डिग्री है दोस्तों। इस प्रकार से जो है ये चीज सॉल्व हो गया दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड, ये दोनों जो है मिरर प्लेस्ड है, ठीक, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक ए बी जो है इंसिडेंट रे जो है इस पे जा रहा है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर के ए बी स्ट्राइक मिरर पी क्यू, यानी कि पी क्यू जो है कहां पे है, पी और क्यू पे जो स्ट्राइक कर रहा है, पी क्यू एट बी, बी पे स्ट्राइक कर रहा है, तो देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पथ बी सी, यानी बी सी जो है पथ मूव कर रहा है, यहां से जा रहा है, तो ये यहां से जा रहा है, उसके बाद सी से डी की ओर जा रहा है, बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, आर एस पे स्ट्राइक कर रहा है, किस पे पॉइंट पे, सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी डी, यानी कि जो है बैक जो है सी डी से रिफ्लेक्ट कर रहा है, सी डी से रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट द ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है दोस्तों। तो सिंपल सा है, यानी कि ए बी जो है सी डी को हमको प्रूव करना है कि पैरेलल है, चलिए ठीक है। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहां पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, आर एस के पैरेलल है, ठीक। तो यहां से जो है ये लाइन जो है इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि ये जो रे है ए बी जो है इस प्रकार से इंसिडेंट कर रहा है दोस्तों, कि जब ये एंगल यहां से टकरा रहा है तो ये यहां से जो है वापस आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस, मान लीजिए ये एंगल जो हमारा यक्स है दोस्तों, ये एंगल जो है यक्स है, तो कहने के मतलब जो है ये जिस एंगल से जो ये टकरा रहा है उसी एंगल से जो है वापस आ रहा है, तो कह सकते हैं दोस्तों ये भी हमारा यक्स होगा, ये भी हमारा यक्स होगा। तो दोस्तों अगर जो हम कह सकते हैं ये हमारा वाई है, ये एंगल जो है यहां से इंसिडेंट कर रहा है, तो ये भी हमारा वाई होगा दोस्तों, ये एंगल जो है, ये भी एंगल जो है हमारा वाई होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों जब ये एंगल जो है, ये एंगल बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा, और उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों इस कंडीशन में कि हम जो है एंगल एक्स बराबर जो है एंगल वाई, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है बन रहा है दोस्तों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब दोस्तों हमको करना क्या है, अब जो है ये एंगल हमारा कितना है, यानी कि ये 2x जो है ये घट रहा है आपका, यानी कि जो एंगल बन रहा है, तो मान लीजिए कोई जेड एंगल यहाँ पे है, तो ये जो है जेड एंगल मान लीजिए इसको, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एंगल मान लीजिए जेड है, ये एंगल जो है हम जेड मान लिए हैं, तो दोस्तों ये हमारा एंगल भी जेड होगा, ये हमारा एंगल भी जेड होगा, क्योंकि जो है जिस डिग्री पे वह टकरा रहा है उसी डिग्री से जो है रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल भी जेड होगा दोस्तों। तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जेड और ये जेड जो है इंटीरियर एंगल है, यानी कि अगर जो इसको हम जेड वन कह सकते हैं और इसको जेड टू कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं जेड वन बराबर जो है ये हमारा एंगल जेड टू के बराबर है, और चूंकि जेड वन और जेड टू जो है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी किसके, ए बी और सी डी के, यानी कि ए बी और सी डी पे टकरा रहा है, यानी ए बी पे टकरा रहा है, यानी कह सकते हैं कि हमारा बी सी ऐसा लाइन जो है वह ए बी और सी डी जो है टकरा रहा है,
और वह जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, यानी कि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर जेड वन एंगल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि लाइन जो है ए बी, लाइन ए बी यह पैरेलल होगा सी डी के थ्योरम के अनुसार दोस्तों, सेम टू सेम, यानी जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से जो है वापस आ रहा है, फिर यहां पे जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से जा रहा है दोस्तों। तो जब हमारा पी क्यू और सी आर एस जो है पैरेलल है, तो यहां पे कह सकते हैं एक्स वाई जो है हमारा बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण जो है बराबर बराबर होंगे, इसलिए पैरेलल है। तो सिंपल सा जो है, अब जो है हम इस एंगल को मान लेंगे, जेड वन मान लेंगे, जेड टू मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जेड वन जो है हमारा इस प्रकार से है कि अगर जो ये लाइन जो है जितना ये होगा उतना डिग्री ये होगा, क्योंकि जो है रे जो है रिफ्लेक्ट करता है सेम एंगल पे, जिस एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी एंगल से जो है यहाँ पे होकर के जाएगा। मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी जेड वन जेड टू जो है बराबर है। अगर जो दोस्तों जेड वन और जेड टू जो हमारा बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है ए बी और सी डी पर जो है, तो कह सकते हैं ए बी और सी डी बराबर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर जो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।